Assalamu alaikum students, hope you all doing well. Today our topic is time value of money, and we move on the question number 16. The question number 16 is, Los Tushmans Mines Incorporation is considering investing in Peru. It make a bid of the government to participate in the government development of a mine, the profit of which would be realized at the end of 5 years. A company hai jo ke दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये बिड में पार्टिसिपेट करे और इसके लिए प्रॉफिट जो है वो 5 साल के आखिर में रियलाइज़ होगा. द माइन इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 5 मिलियन इन कैश टू लॉस टशमैन माइन एट दैट टाइम. अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो माइन है ये 5 मिलियन प्रोड्यूस करेगी कैश फ्लो. अदर देन द बिड एट द आउटसेट नो अदर कैश फ्लो विल बी अकर एट द गवर्नमेंट विल रीइंबर्स द कंपनी फॉर ऑल कॉस्ट. If Los Tushmans required a nominal interest rate of 20%, what is the maximum bid it should make for the participation right if the interest is compounded annually, semi-annually, quarterly and continuously? तो कहा यह जा रहा है कि अगर हमें कोई भी कैश फ्लो नहीं मिले इस बिड के अलावा और अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 20% हो और अगर हम टैक्स कंसिक्वेंसेस को इग्नोर करें तो हमारे पास मैक्सिमम बिड क्या होगी इस जो बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम बिड क्या होनी चाहिए इस जो ऑक्शन है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर हम इंटरेस्ट रेट को एनुअली सेमी एनुअली क्वार्टरली एंड कॉन्टीन्यूसली कंपाउंड करते हैं तो हम यहाँ पे मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन पे. हमारे पास जो गिवन अमाउंट है वो फ्यूचर वैल्यू यानी उसने कहा था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 5 मिलियन प्रोड्यूस करेगी यानी फ्यूचर में 5 मिलियन इसकी वैल्यू है. एन हमारे पास 5 ईयर है, आई हमारे पास 20% है और अगर इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंड किया जाए तो बताएं कि मैक्सिमम बिड क्या होगी यानी इस वक्त इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम बिड क्या होगी. इट मीन्स कि हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा. इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू पी नॉट 1 + i रेज टू पावर n. फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 5 मिलियन गिवन है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएंगे. तो 50 लाख इज़ इक्वल टू पी नॉट 1 + i हमारे पास 20% गिवन है तो हम क्या करेंगे 20 / 100 करेंगे तो हमारे पास 0.20 आ जाएगा और रेज टू पावर हमारे पास जो n है वो 5 ईयर है. हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1 + 0.20 रेज टू पावर 5 तो हमारे पास जो फैक्टर है वो 2.4832 आ जाएगा. तो पी नॉट इज़ इक्वल टू 2.4832 और इधर आ जाएगा 50 लाख. अब ये पी नॉट के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. इस तरह से हम इसको 50 लाख को 2009387.86 पी नॉट. तो ये हमारे पास जो है जब इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंड किया जाएगा तो हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आ जाएगा. इसी तरह हम बी पे मूव होते हैं. बी में कहा जा रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कंपाउंड किया जाए सेमी एनुअली तो सेमी एनुअली के लिए जो है मैंने बताया था कि हम आई को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ और एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ क्योंकि एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं. सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ तो एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं. दैट्स वाई हम आई को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं. तो हमारे पास आई 20 है, 20 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो 10% आ जाएगा और एन हमारे पास 5 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा. अब हम इस रेट को और इस एन को यूज़ करते हुए हम फार्मूला पुट करेंगे. फार्मूला हमारे पास वही है, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 + i रेज टू पावर n. फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 50 लाख गिवन है, 1 + 0.20 यहाँ पे अब 0.20 नहीं बल्कि 10% आएगा जो कि
10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा और रेज टू पावर 10 आ जाएगा। अब हमने इसका जो है फैक्टर हमने डिराइव करना है कि ये फैक्टर क्या होगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इज 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 रेज टू पावर 10, तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 2.5937। तो हम 4 डिजिट्स ले लेते हैं पॉइंट के बाद, और ये जो फैक्टर है ये पी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, जब इस साइड पे आएगा तो ये फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। 2.5937 इज़ इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट हमारा जो है वो इनिशियल डिपॉजिट होता है, तो हमारे पास यहाँ पे पी नॉट आ जाएगा 1927716.447। तो ये हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आ जाएगा अगर हम इंटरेस्ट रेट को सेमी एनुअली कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास उसने गिवन दिया है कि क्वार्टरली जो है आप इसको कैलकुलेट करो। तो क्वार्टरली के लिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, यानी 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो अब हम इसके लिए करेंगे ये कि हम आई को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे और एन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाय 4 किया तो 20 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 5% आ जाता है, और इसी तरह एन हमारे पास 5 था, 5 इंटू 4 किया तो एन हमारे पास 20 आ जाएगा। तो आई हम 5% यूज़ करेंगे और एन हम 20 यूज़ करेंगे, और देन फार्मूला पुट करके हम पी नॉट कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम जो है कैलकुलेशन एज इट इज़ करेंगे। एफ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 50 लैग है, पी नॉट है 1 प्लस आई, आई अब हमारे पास 5% था और एन 20 था, हमने इसमें ये प्लस किया रेज टू पावर 20 किया, हमारे पास फैक्टर आ जाता है 2.65321। यहाँ पे पी नॉट के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास पी नॉट का आंसर आ जाएगा 1884747.414। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कहता है कॉन्टीन्यूसली, यानी कॉन्टीन्यूसली अगर हम इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड करें तो हमारे पास बताएं कि पी नॉट इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास डी है, डी में आ जाएगा अगर हम कॉन्टीन्यूसली इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड करें। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्टीन्यूसली का फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा एफ फ्यूचर वैल्यूज इक्वल टू पी नॉट आयोटा एन इंटू आई। अब हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारे पास 50 लैग गिवन है और हमने पी नॉट फाइंड करना है। अब ई की जो वैल्यू है ये हमारे पास कैसे आएगी, ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं हम शिफ्ट और ये नेचुरल लॉगरिथम का जो साइन है इसको दबाएंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, इसके साथ 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2.7182। तो हम अगर हमें ये याद करना होता है कि आयोटा की वैल्यू 2.7182 होती है, और अगर हमें नहीं भी याद रहता है तो हम क्या करते हैं शिफ्ट नेचुरल लॉगरिथम का साइन 1 इज इक्वल टू प्रेस करते हैं तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाती है। एन हमारे पास जो है वो 5 था और आई जो है हमारे पास 0.20 था, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 5 × 0.20 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पी नॉट 2.7182 रेज टू पावर 1 और इधर आ जाएगा 50 लैग, और इस 50 लैग के साथ हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसका हम फैक्टर ले लेंगे 2.7182 रेज टू पावर 1 तो हमारे पास यही अमाउंट आ जाती है 2.7182। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2.7182 इज इक्वल टू पी नॉट। ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1839398।
तो ये हमारे पास इनिशियल डिपॉज़िट होगा. अगर हम हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन थी कि अगर हम कॉन्टीन्यूसली, अगर हम क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली जो है करते हैं, इंटरेस्ट को कंपाउंड करते हैं.